अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा चीज़ पराठा। वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं यहाँ पे 3 कप मैदा ले रही हूँ और उसको छान लूँगी अच्छी तरीके से। 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। इसका हम बहुत ही स्मूथ डो बनाएंगे। या तो प्लेट या प्लास्टिक कवर कुछ भी, या क्लिंग फिल्म करके आप यहाँ पे इसको बंद करके रख सकते हैं। अब यहाँ हम वेजिटेबल्स कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ चॉप जो है कैप्सिकम लिया है, यहाँ पे रेड चिली ली है मैंने, ये जो है स्मॉल ली है। ये जो है कैप्सिकम की तरह होती है, आप कैप्सिकम भी रेड ले सकते हैं। और मैंने एक ग्रीन चिली जो है वो कट कर ली है, यानी चॉप्ड कर लिया। अब हम कीमे की प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल लिया है 1 टेबल स्पून। आप कोई और सा भी ऑयल ले सकते हैं, वेजिटेबल या कोई भी ऑयल ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने अनियन जो है चॉप करके हाफ कप डाल दिया है और मैंने इसको सॉटे कर लिया। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी और इसको फिर मिक्स कर लूँगी। मैं यहाँ पे 1/2 kg खीमा ले रही हूँ और इसको मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैं इतना मिक्स करूँगी यानी कि कलर चेंज होगा लेकिन प्रॉपर वाइट नहीं होगा। मैं यहाँ पे नमक डाल दूँगी। यहाँ 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है, इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून डाल दूंगी, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून यानी क्यूमिन पाउडर। उसको हम अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कोई भी पानी अभी नहीं डाला, खाली अभी मैं मसाले में कीमे को पका रही हूँ।
अब मैं यहाँ पे ग्रीन चिली ऐड करूँगी, बाकी मैं यहाँ पे सब्जियाँ दूसरी ऐड नहीं कर रही हूँ, खाली ग्रीन चिली ऐड की है, और इसको मैं कीमे के साथ पका लूँगी। अब मैं इस पॉइंट पे पानी डालूँगी जो कि 250 ml वाटर है, यानी 1 कप से ऊपर है ये, और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे मैंने धीमी आंच रखी हुई है, मीडियम नहीं है, यानी स्लो टू मीडियम है। अब ये मैं इसको बॉइलिंग पे जो है लगा दिया है, अब ये जो है पक रहा है कीमा। अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मैं कैप्सिकम और रेड चिली जो मैंने जो कट की थी उसको मैं डाल दूँगी। यहाँ पे जो है पानी अभी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है, यानी कीमा मैंने पहले पकाया पानी के अंदर, उसके बाद मैंने जो है ये रेड चिली और कैप्सिकम ऐड किया है उसको मैं, क्योंकि इसको भी इसमें मुझे पकाना है इसलिए। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि जो पानी है कीमे का वो जो है सूख जाए। कीमा जो है वो रेडी हो गया है, इसका पानी सूख चुका है और कीमा रेडी है। अब हम यहाँ पे हमारा जो आटा जो गूंदा था मैं उसके अब बॉल्स बना लूँगी, और यहाँ पर मैदा छिड़क कर मैं इसको ही रोटियाँ बना लूँगी, बड़ी बड़ी गोल, ठीक है। ये पतली पतली बनाई है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाई है, और यहाँ पे मैं जो है पका लूँगी, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल धीमी आंच पे मैं पका रही हूँ, और पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से, इतना ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी कि लाइट ब्राउन कलर जैसे अभी जो आ रहा है इस तरीके का पकाना है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा पकी हुई साइड है वो अंदर रहेगी, और जो कम पकी हुई साइड है वो नीचे रहेगी, क्योंकि फिर जल ना जाए, ठीक है ना। कीमा जब हम, जब स्टफिंग जो हम डालेंगे तब की बात कर रही हूँ मैं। ऐसे मैं सारी रोटियां जो है सेक लूँगी, और उसके ऊपर अब मैं बारबेक्यू सॉस जो है वो लगाऊँगी। वैसे बारबेक्यू सॉस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं बारबेक्यू सॉस जो है स्प्रेड कर रही हूँ, यहाँ पर जो चूल्हा है वो बंद है, अब बारबेक्यू सॉस के बाद मैं यहाँ पे जो है कीमा जो मैंने स्टफिंग इसकी रेडी की है वो मैं डाल दूँगी। अब यहाँ पे मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है वो ऐड कर देंगे। देन अब यहाँ पे हम उसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे चूल्हा ऑन कर दूँगी, और यहाँ पर मैं ऑयल डाल दूँगी, और उसको हम फ्राई करेंगे दोनों साइड से। Thank you.
जो दूसरा पराठा है वो है विदाउट बारबेक्यू सॉस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।